आज हम लोग एक टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है कैस्केड एम्पलीफायर। दोस्तों, ये बेसिकली एक कंसेप्ट है कि मान लीजिए कि आपको एक लेवल में आपका मैग्निफिकेशन का जो होता है, आउटपुट का जो आपको मैग्निफिकेशन करना है वो नहीं मिल रहा, तो आपको दो लेवल, तीन लेवल, चार लेवल, इस प्रकार लेवल बढ़ाने होते हैं। इस लेवल बढ़ाने की प्रोसीजर को हम लोग कैस्केड कहते हैं, वन आफ्टर अनदर। तो ये इसका सैंपल ब्लॉक डायग्राम है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका इनपुट है, उसके बाद में एम्पलीफायर के तीन स्टेज दिए हुए, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, और फिर आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गेन अगर 5 है तो तीन लेवल है, तो आपका गेन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। ये इतना सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने की वजह से कह रहा हूं। तो कैस्केड एम्पलीफायर जहां पे भी आपको आउटपुट का मैग्नीट्यूड ज्यादा चाहिए वहां पे आपको यूज करना रहता है। और आउटपुट जो होता है, फर्स्ट एक स्टेज का आउटपुट वो दूसरे स्टेज के लिए इनपुट बन जाता है। जैसे A1 का आउटपुट यहाँ पे स्टेज 1 का, स्टेज 2 का इनपुट हो जाएगा, स्टेज 2 का आउटपुट स्टेज 3 का इनपुट हो जाएगा, और मेन आउटपुट हमारा स्टेज 3 का आउटपुट रह जाएगा। ये अरेंजमेंट को कैस्केडिंग एम्पलीफायर या कैस्केड एम्पलीफायर कहा जाता है। मान लीजिए अगर गेन है इसका AV1, AV2, AV3, इसका गेन हर एम्पलीफायर स्टेज का है, तो टोटल गेन को हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये डेसिबल में जनरली एक्सप्रेस होता है। और फॉर्मूला के स्वरूप में हम इसको बताएंगे, AV इज इक्वल टू 20 log AV1 बेस 10, 20 log AV2 बेस 10, 20 log AV3 बेस 10, इस प्रकार आप इसको ऐड करते हैं। तो दोस्तों, ये जो एम्पलीफायर होता है इसकी डिटेल सर्किट आपके सिलेबस में क्लियरली कहीं लिखी नहीं है, लेकिन इसकी लिमिटेशन आपको पता होनी चाहिए। डिक्रीज इन बैंडविड्थ विद इंक्रीज इन लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीज इन अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ओवरऑल बैंडविड्थ आपकी कम हो जाती है, मैक्सिमम और मिनिमम रेंज जो होती है वो कम हो जाती है, ये इसकी लिमिटेशन है। और अपकमिंग स्टेज है, जैसे स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, तो ये जो स्टेज है ये दूसरे स्टेज पे लोड क्रिएट करता है, तो उसके परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा असर आएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ समराइज कर रहा हूं, कैस्केडिंग एम्पलीफायर की मेथड है कैस्केड करने की। तो ये आपको कंसिडर क्या करना रहता है वो देखते हैं। लॉस ऑफ सिग्नल शुड नॉट बी देयर, इट कॉजेस रिड्यूस गेन। यानी आप कैस्केड कर रहे हो तो वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सिग्नल का कुछ पॉइंट, कुछ पार्ट वहां पे लॉस हो जाए, तो वो आपको डिजाइन में ध्यान रखना पड़ता है। हमारे सिलेबस में डिजाइन नहीं है, हम सिर्फ उसके बेसिक कंसेप्ट या ओवरऑल रिव्यू कर रहे हैं। और बायसिंग ऑन वन स्टेज शुड नॉट अफेक्ट बायसिंग ऑफ अदर स्टेज। जैसे कि मैंने कहा कि आपको एक नेक्स्ट जो स्टेज है वो प्रीवियस स्टेज पे लोड करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आपके पैरामीटर सिलेक्ट आपको करने पड़ते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप का बायसिंग दूसरे स्टेप पे असर नहीं करे। तो समराइजेशन के लिए यहाँ पे मेथड में लिखता बता रहा हूं, आरसी कपलिंग, एलसी कपलिंग, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग और डायरेक्ट कपलिंग। दोस्तों, कपलिंग का मतलब कि जो दो एम्पलीफायर आएंगे स्टेज कॉमन एमिटर मान लीजिए, तो बीच में आरसी कपलिंग आ सकता है, एलसी कपलिंग आ सकता है, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग आ सकता है, और डायरेक्ट भी आप कपल कर सकते हो। तो ये चीज है जो आपको सिग्नल मेंटेन करने के लिए यूज होते हैं। आप इसका डायग्राम आपके रेफरेंस बुक में देख सकते हो, हम यहाँ पे इसका डिटेल यूज नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये जो कैस्केड एम्पलीफायर था इसका यहाँ पे इतना ही है कि आपके सिलेबस के रेफरेंस में कि एक स्टेज है उसका अगर आउटपुट पर्याप्त ना हो, इनफ ना हो, तो दूसरे स्टेज को आप ज्वाइन करिए, तो सेकंड जो स्टेज है उससे आपका एम्पलीफिकेशन बढ़ेगा। तो आई होप आपको पता चला होगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।